Hello students and welcome to Roshi's Education Point. Today I will be starting with your new images textbook, class 2, chapter 6. The name of the chapter is The Greatest Treasure, where a boy learns how important teamwork is. Teamwork ka matlab hota hai saath mein milke kaam karna kitna zyada important hota hai. Ye is chapter mein aapko sikhaya jayega. Before starting the chapter, let us read about the author. Amit Garg is an Indian author who has written several stories for children. अब ये एक Indian author है और इन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारी अलग अलग stories लिखी है. In this particular story, the author focuses on the relationship between children and animals and how they can help each other discover something extraordinary. यहाँ पे focus किया है एक बच्चों के बीच में और animals के बीच के उस relationship में. अगर वो लोग एक दूसरे की हेल्प करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, तो वो फिर कुछ भी अचीव कर सकते हैं. द ग्रेटेस्ट ट्रेजर इज़ अ शॉर्ट स्टोरी अबाउट एन एडवेंचरस बॉय नेम्ड पीटर. अब ये जो स्टोरी है द ग्रेटेस्ट ट्रेजर, ये एक एडवेंचरस बॉय के बारे में है, पीटर जिसका नाम है. अ करेजियस एंड एक्साइटेड लैड. लैड का मतलब होता है किड. ही सेट्स ऑफ ऑन अ जर्नी वन डे and meets a wild animal who is said to be the king of the forest. अब एक दिन ये ऐसे ही जर्नी पर निकल जाता है और वहाँ पर ये एक वाइल्ड एनिमल से, जंगली एनिमल से मिलता है जिसको जंगल का राजा कहा जाता है. वन बाय वन ही कम्स अक्रॉस मैनी वाइल्ड विजिटर्स एंड अलॉन्ग विद देम गोज ऑन एन एक्साइटिंग ट्रेजर हंट. एक एक करके ये ऐसे ही अलग अलग विजिटर्स से मिलता है और फिर उनके साथ ये एक बहुत ही एक्साइटिंग ट्रेजर हंट पे जाता है. एंड देन व्हाट हैपेंस टू हिम एंड हिज कंपेनियंस, लेट अस रीड. अब पीटर का क्या होता है, उन एनिमल्स का क्या होता है, ये जानने के लिए चैप्टर को रीड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है. वन डे पीटर फाउंड अ ट्रेजर मैप. ट्रेजर का मतलब होता है वैल्यूएबल स्टफ लाइक गोल्ड एंड सिल्वर, कीमती चीज़ें. हुर्रे, I am going to find this treasure and have some adventure. अब मैप, ट्रेजर मैप होता है, आपको एक मैप दे रखा होता है जिसमें बता देते हैं इस जगह खजाना गड़ा है. तो पीटर बड़ा खुश हो गया कि अब तो मेरे लिए एक बहुत एडवेंचर वाली बात है. ही एक्सक्लेम्ड, पीटर सेट ऑफ. ही वॉक्ड अ लॉन्ग वे एंड फाइनली रीच्ड द फॉरेस्ट. पीटर तो निकल गया ट्रेजर की तलाश में. वॉक करते करते वो एक जंगल में पहुँचा. देयर ही मेट अ लायन. You are strong and courageous, said Peter to the lion. Will you come with me on a treasure hunt? अब जब वो जंगल में पहुंचा तो जाकर वो एक लायन से मिला. तो पीटर ने लायन से बोला, तुम बहुत courageous हो और strong भी हो, तो क्या तुम मेरे साथ एक treasure hunt पे चलोगे? Lion agreed and joined Peter. लायन ने भी agree कर लिया और दोनों treasure hunt के लिए चलने लगे. The forest was dense and dark. डेंस का मतलब होता है घना, थिक. बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट था और डार्क भी हो चुका था. पीटर वॉज अफ्रेड बट विद लायन बाय हिज साइड ही मेड इट थ्रू. अब पीटर को डर तो लग रहा था लेकिन उसके साथ लायन था, इस वजह से फिर वो हिम्मत करके आगे चलता रहा. व्हेन द टू फाइनली रीच द माउंटेन दे मेट ईगल. यू हैव एक्सलेंट विजन एंड कैन अलर्ट अस टू डेंजर्स, सेड पीटर टू ईगल. अब जब वो एक माउंटेन के ऊपर पहुँचे तो वहाँ उनको ईगल मिला. तो पीटर ने ईगल से बोला कि तुम लोग है ना, तुम्हारा विजन बहुत अच्छा है, तुम बहुत दूर तक देख सकते हो, तो तुम ना हमें बता देना अगर हमको कोई खतरा हो, कोई डेंजर हो तो. विल यू कम विद अस, पीटर ने ईगल से पूछा, क्या तुम हमारे साथ आओगे? वी आर लुकिंग फॉर अ ट्रेजर, हम लोग खजाना ढूंढ रहे हैं. ईगल अग्रीड एंड जॉइंड पीटर एंड द लायन. ईगल ने भी अग्री कर लिया और वो भी फिर पीटर और लायन के साथ ट्रेजर ढूंढने के लिए चला गया. द माउंटेन्स वर टॉल एंड क्रैगी. क्रैगी का मतलब होता है वेरी हाई एंड रॉकी. जो माउंटेन था वो काफ़ी ज़्यादा ऊंचा था. लायन स्लिप्ड बट पीटर वॉज स्विफ्ट इनफ टू गिव हिम अ हैंड एंड पुल हिम अप. लायन तो एकदम से स्लिप ही हो गया उस माउंटेन पे चढ़ते चढ़ते. तो पीटर तो धीरे धीरे चल रहा था, तो पीटर ने लायन को अपना हाथ दिया और उसे भी गिरने नहीं दिया, ऊपर खींच लिया.
ईगल विद हिज शार्प विजन वॉच्ड एवरी स्टेप दे टुक। ईगल को तो दूर तक दिख रहा था, तो जो भी स्टेप वो रख रहे थे, ईगल ध्यान रख रहा था कि आगे कोई डेंजर तो ना हो। सून दे रीच द वैली बिलो वेयर दे मेट शीप। वैली होती है माउंटेन्स के बीच में लैंड, तो वहाँ पर ये शीप से मिले। विल यू जॉइन अस इन आवर सर्च फॉर अ ट्रेजर, पीटर आस्क्ड शीप। अब पीटर ने शीप से भी पूछा, हम लोग ट्रेजर ढूंढ रहे हैं, क्या तुम भी हमारे साथ ढूंढोगे क्या? एंड कीप अस वार्म व्हेन इट्स कोल्ड। शीप अग्रीड एंड जॉइन पीटर, लायन एंड द ईगल। पीटर ने बोला, जब हमें ठंड लगेगी ना तो तुम हमें वार्म रखना, गर्म रखना। शीप ने अग्री कर लिया और पीटर, लायन और ईगल के साथ शीप भी निकल गया। अ कोल्ड विंड स्वेप्ट अक्रॉस द एंडलेस मिडो। मिडो का मतलब होता है एक ऐसा लैंड जहाँ पर छोटी छोटी सॉफ्ट ग्रास होती है, तो वहाँ पर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। दे ऑल हडल्ड अगेंस्ट शीप हु केप्ट देम वर्म एंड कोजी। सब जाके शीप के पास चिपक गए, शीप ने उन्हें ठंड नहीं लगने दी। द फोर फाइनली रीच द डेजर्ट वेयर दे मेट कैमल। अब ये चारों के चारों फाइनली डेजर्ट में पहुंच गए जहां उनकी मुलाकात हुई कैमल से। यू आर कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट, सेड पीटर टू कैमल। अब पीटर ने कैमल से बोला कि तुम तो डेजर्ट के शिप माने जाते हो, शिप ऑफ द डेजर्ट बोला जाता है तुमको। विल यू हेल्प अस गेट अक्रॉस एंड जॉइन द ट्रेजर हंट टू। तो पीटर ने रिक्वेस्ट करी कि आप हमें ना डेजर्ट क्रॉस करने में भी हेल्प करो और उसके बाद हमारे साथ ट्रेजर ढूंढने में भी साथ में चल सकते हो। कैमल अग्रीड। पीटर, लायन एंड शीप माउंटेड द कैमल एंड सेट ऑफ हैप्पीली अक्रॉस द वास्ट डेजर्ट विद ईगल एंजॉइंग द स्पेक्टिकल फ्रॉम अबव। कैमल ने अग्री कर लिया, तो पीटर, लायन और शीप तो जाके कैमल के ऊपर बैठ गए। माउंटेड का मतलब उनके ऊपर बैठ जाना। और जो ईगल था, ईगल तो उड़ते उड़ते सारी चीज़ें इंजॉय कर रहा था। कैमल बिगैन गैलोपिंग एंड एवरीबडी चीयर्ड विद एक्साइटमेंट। गैलोपिंग का मतलब होता है बहुत तेज़ फास्ट तरीके से चलना, तो कैमल को तो डेजर्ट में चलने की आदत होती है, इस वजह से कैमल तो ईजिली डेजर्ट में जल्दी जल्दी चलने लग गया और सब लोग एक्साइटेड थे तो उसको चीयर करने लग गए। क्रॉसिंग द डेजर्ट ऑन कैमल्स बैक वॉज थ्रिलिंग। डेजर्ट को कैमल की बैक के ऊपर बैठ के क्रॉस करने में बहुत मज़ा आ रहा था। द फाइव फाइनली रीच द ओशियन वेयर दे मेट टर्टल। अब ये लोग, पांचों लोग जाकर ओशियन पहुंच गए। ओशियन में इन्हें टर्टल मिला। कैन यू हेल्प अस क्रॉस द ओशियन, पीटर आस्क्ड टर्टल। अब पीटर ने टर्टल से पूछा, क्या तुम हमारी हेल्प करोगे क्या इस ओशियन को क्रॉस करने में? वी आर ऑन अ ट्रेजर हंट। टर्टल अग्रीड एंड जॉइंड पीटर, लायन, ईगल, शीप एंड कैमल। टर्टल ने भी अग्री कर लिया कि ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा और उसके बाद मैं तुम्हें ज्वाइन भी कर लूँगा। तो टर्टल ने पीटर, लायन, ईगल, शीप और कैमल सभी को ज्वाइन कर लिया उस ट्रेजर हंट में। द रफ वेव्स ऑलमोस्ट ड्राउन द पार्टी बट टर्टल ट्रांसपोर्टेड देम अक्रॉस। अब ओशियन में बहुत रफ तरीके की लहरें चल रही थी, ये सब तो डूब जाते, लेकिन टर्टल ने बड़ी सेफली सबको दूसरे तरफ पहुंचा दिया था। दे मेट आउल ऑन द अदर साइड। अब दूसरी साइड उनको आउल मिला। आउल स्पोक फ्रॉम हिज विजडम। विजडम का मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग वाइज। आउल ने तो विजडम में बोला, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव फाउंड द ट्रेजर। आउल ने बोला, सबको कॉन्ग्रेचुलेट किया कि तुमको फाइनली ट्रेजर मिल रहा है। वेयर इज इट, दे ऑल एक्सक्लेम्ड इन सरप्राइज। सब लोग सरप्राइज होकर पूछ रहे हैं कि क्या है वो ट्रेजर, हमें बताओ। टुगेदर यू हैव पास्ड द फॉरेस्ट, क्लाइंब्ड द माउंटेन्स, डेयर्ड द वैली, ब्रेव्ड द डेजर्ट एंड क्रॉस्ड द ओशियन। अब आउल ने बताया, तुम लोग साथ में थे तो तुमने जंगल को भी क्रॉस कर लिया, माउंटेन के ऊपर चढ़ गए, वैली को क्रॉस करा, डेजर्ट को भी क्रॉस करा और फाइनली ओशियन को भी क्रॉस कर लिया। यू वुड हैव नेवर हैव डन इट विदाउट वन अनदर। तुम ये काम नहीं कर सकते थे अगर तुम्हारे पास एक दूसरे की हेल्प नहीं होती तो।
They all looked at each other and knew that Owl was right. They had found friendship. सबने एक दूसरे की तरफ देखा और उनको पता था कि आउल सही कह रहा है, वो अकेले ये सारी चीज़ें खुद से नहीं कर सकते थे और उन्हें फ्रेंडशिप का गिफ्ट मिला था. इंडीड दे हैड फाउंड द ग्रेटेस्ट ट्रेजर एवर. और फ्रेंडशिप का गिफ्ट तो दुनिया में सबसे अच्छा गिफ्ट होता है जो उन्हें मिल चुका था. सो दैट वॉज योर चैप्टर. नाउ लेट अस डू द क्वेश्चन एंड आंसर्स. चूज द करेक्ट आंसर्स टू कम्प्लीट द गिवन सेंटेंसेस. In the story, the first animal to appear before Peter is lion. The first animal the traveling party met when they reached the desert was camel. The ones who had a seat above the camel were sheep. Answer these questions. What kind of boy do you think Peter was? Answer aayega, Peter was a nice boy. Question number 2. Do you know of any other famous stories where a young boy is happily roaming with all kinds of animals in the forest? Yes, The Jungle Book. J-U-N-G-L-E, The Jungle Book. इसमें भी एक मोगली होता है जो कि एनिमल्स के साथ ही घूमता है. So yes, with this your chapter is complete. Question answers is also complete. I hope you understood it. If you're having any doubt, you can write me in the comment section below. And if you have not subscribed to my channel, kindly subscribe and hit the bell icon. Thank you so much.